सकते हैं क्या? तो भाई अगर आप जिम आ सकते हो लेकिन सिर्फ एक महीने के लिए, क्यों आ सकते हो? अगर आपका सीना कम है, आपकी भर्ती नजदीक आ रही है, सीने का साइज नहीं बढ़ रहा है, ग्राउंड में कवर नहीं हो पाएगा, तभी आप एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए। लेकिन वर्कआउट कौन सा करना? सिर्फ चेस्ट। जय हिंद दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपसे बात करना चाहते हैं, कैसे बात करें आप बता दीजिए। तो भाइयों आपको बता दूं कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे दी, आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, मुझे फॉलो कर लेना, फिर मैं सुबह शाम लाइव आ रहा हूँ, सारे बंदों से बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर देना, लिंक दे दी है। जय हिंद। दोस्तों जो बंदे आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहा है फिजिकल की, तो उन लोगों को बता दूं पहले अपनी स्टैमिना पे फोकस कीजिए, जैसे ही आपकी स्टैमिना बन जाएगी उसके बाद ही आप स्पीड पे फोकस कीजिए। तो पहले स्टैमिना उसके बाद स्पीड, एक्सरसाइज देखनी है फॉलो कर देना। सैल्यूट इंडिया की हर एक उस माँ को जो उसके शेर के ग्राउंड से आने के बाद उसको एक गिलास दूध का देती है और बोलती है बेटा पी और फौलाद बन, क्योंकि इंडियन आर्मी में जाना, फौजी बनना, तुझे वर्दी पहननी है, देश की रक्षा करनी है तुझे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, रनिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्टेमिना नहीं बन रही है, तो टेंशन नहीं लेना, अगला एक मिनट भाई को ध्यान से सुनना है, क्योंकि तुम्हारा भाई आज पूरा डेली का रूटीन बताने वाला है, कैसे स्टेमिना बनानी है, कैसे स्पीड बढ़ानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को सुबह के टाइम पे 4 से 5 किलोमीटर स्लो स्लो दौड़ना है, हल्का हल्का 4 से 5 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ना है। सबसे पहले स्टेमिना बनानी है, स्टेमिना बनाने का फर्स्ट स्टेप हो गया ये, ठीक है। दूसरी चीज आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने क्या क्लिक करना है कि 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आपको आधे घंटे तक डायनेमिक वर्कआउट यानी स्पीड वर्कआउट लेग एक्सरसाइज करनी है आधे घंटे तक। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अगर ज्यादा जानना चाहते हो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब पे हर एक